जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर सेना भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट आज के टूर ऑफ ड्यूटी। बिल्कुल दोस्तों, 3 साल सेना भर्ती को लेकर एक बार फिर यहाँ पर सेना के यहाँ पर जो चीफ आर्मी चीफ है विपिन रावत जी, उनके द्वारा एक बड़ी अपडेट दी गई है। 3 साल सेना भर्ती अब इंडियन आर्मी के साथ में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तरफ से भी अपनाई जा रही है दोस्तों। इसको लेकर संपूर्ण जानकारी आपको स्टूडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं कि पहली भर्ती कब होगी और कितने जवानों की भर्ती पहली बार टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव के साथ होने वाली। साथ में यह प्रस्ताव है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए भी लागू करने की बात की जा रही है दोस्तों। इसको लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज पब्लिश हुई। अगर आप भी सेना रैली भर्ती की लगातार तैयारी कर रहे हो, सेना में भर्ती होना चाहते हो, वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए और सेना रैली भर्ती से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट अगर आप पाना चाहते हो, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ में दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कर दे ताकि आपको सेना रैली भर्ती से रिलेटेड भी हर प्रकार की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले वो जानकारी जो सेना के द्वारा साझा की गई है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो अमर उजाला न्यूज़पेपर में ये बड़ी न्यूज पब्लिश हुई है। बिल्कुल दोस्तों 24 दिसंबर की ये न्यूज है। सेना का प्रस्तावित टूर ऑफ ड्यूटी भर्ती मॉडल अब नौसेना और वायुसेना में भी अपनाया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों अब इंडियन एयर आर्मी की तर्ज पर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में भी टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव अपनाया जा रहा है, जिसमें 3 साल सेना भर्ती अब इंडियन एयरफोर्स के इंडियन आर्मी के साथ में एयरफोर्स और नेवी में भी आप 3 साल सेना में भर्ती हो सकते हो। सेना में 3 साल देश सेवा करने का मौका हर नागरिक को सेना की तरफ से दिया जाएगा दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हो पूरी न्यूज में आपको बता देता हूं, स्टेप बाय स्टेप भारतीय सेना की तरफ से पहली बार टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल प्रस्तावित किए जाने के कुछ ही महीनों बाद ही भारत के रक्षा प्रतिष्ठान वायुसेना और नौसेना में भी भर्ती के लिए मॉडल अपनाने पर गंभीरता से विचार कर रहे। वही मीडिया रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है कि एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि हम इस मॉडल का विस्तार कर तीनों सेवाओं को इसके दायरे में लाने की योजना बना रहे। वही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इसी योजना या किसी सम्मान योजना के ही तहत लाने पर विचार हो रहा है। साथ ही कहा गया है कि विस्तृत ब्यौरा तैयार करने और आकलन का काम लगातार चल रहा है और इसे अगले साल के मध्य तक लागू किया जा सकता है। मतलब यहां पर 2021 में ये आपका जो टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव है वो पास हो चुका है। ये मॉडल आपका अगस्त 2021 तक लागू भी हो जाएगा। इसको लेकर एक और बड़ी अपडेट यहां पे आई है। सूत्रों ने कहा है कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने की क्षमता को देखते हुए भारत का राजनीतिक नेतृत्व इस योजना को लेकर खासा उत्सुक है, इसकी रूपरेखा तैयार करने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में योजना का इस तरह विस्तार करने का विचार है कि कुल सैन्य बल की 40% भर्ती इसी के माध्यम से की जाएगी। 3 साल सेना भर्ती टूर ऑफ ड्यूटी के तहत कैसा सिलेक्शन प्रोसेस होता है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो। हालांकि सैन्य सूत्रों ने बताया है कि योजना लागू करने पर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है और विचार विमर्श की भी प्रक्रिया चल रही है। वही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने इस साल के शुरुआत में कहा था कि ये अवधारणा भी आरंभिक चरण में और इस पर अध्ययन की जरूरत है कि यह कितनी व्यवहारिक होगी। पहले बैच में 100 अधिकारी और 1000 अन्य रैंक के कर्मियों को शामिल किए जाने की संभावना है। इस पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों के आधार पर ही मॉडल का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाएगा दोस्तों। यहां पर सेना ने मई में भर्ती के लिए टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल का प्रस्ताव रखा था, जो युवाओं को 3 वर्ष के लिए स्वेच्छा से अस्थायी तौर पर सेना में शामिल होने का मौका देगा। इसका उद्देश्य सेना में भर्ती के लिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आकर्षित करना, अधिकारियों की रिक्तियों को भरना, अंततः रक्षा पेंशन का बोझ है वो कम करना, साथ ही वन रैंक वन पेंशन योजना लागू होने के बाद बढ़कर रक्षा बजट का जो लगभग 30% यहां पर हो चुका है। अभी बात करें तो अभी सशस्त्र बलों का हिस्सा बनने के लिए नियमित स्थायी कमीशन के अलावा एकमात्र विकल्प शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जिसमें 14 साल की अवधि के लिए अधिकारियों की भर्ती होती है। बड़ी संख्या में एसएससी अधिकारी अंततः पात्रता के आधार पर स्थायी कमीशन का विकल्प चुनते। सेना में इसके जरिए सेना में टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव के जरिए करीब 40% भर्ती की जा सकती है। रक्षा पेंशन बिल घटाने के लिए सीडीएस रावत की अध्यक्षता वाले सैन्य मामलों के विभाग ने प्रस्ताव किया था कि 20 से लेकर 25 वर्षों की सेवा के साथ
पीएमआर लेने वाले अब मौजूदा पेंशन के केवल 50% ही हकदार होंगे। अब तक नियमानुसार अधिकारियों को आखिरी में उठाए गए अपने वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी, जिसके लिए उन्हें 20 साल की सेवा पूरी करनी होगी। टूर ऑफ ड्यूटी के मूल प्रस्ताव में कहा गया है कि इस योजना के तहत भर्ती के लिए जाने वाले हर एक अधिकारी पर कुल 80 से लेकर 85 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसमें कमीशन, पूर्व प्रशिक्षण, वेतन, भत्ते, ग्रेचुटी, प्रस्तावित सेवरेज पैकेज, छुट्टियों के बदले भुगतान और अन्य व्यय शामिल किए गए। अभी एसएससी अधिकारी पर 5.12 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाती है, जो 10 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं, और 14 साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी पर 6.83 करोड़ रुपए खर्च आता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इससे केवल 1000 जवानों को तैयार करने पर भी 11,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास होगा। अधिकारी ने कहा है, सेना के लगभग 65,000 कर्मचारी हर साल सेवानिवृत्त होते, इस पर विचार किया जा रहा है कि इस योजना के तहत कुछ निश्चित संख्या में कर्मियों की भर्ती की जाए और यह संख्या सशस्त्र बलों में 1% पर पहुंचने तक हर साल लगातार बढ़ाई जाती रहे। वही अधिकारी ने कहा है कि इस तरह से बड़े पैमाने पर भर्ती में लगभग 15 वर्षों का समय लग सकता है, मतलब एक जवान को 15 साल तक यहाँ पर जो परमानेंट भर्ती होंगे, जिनको 15 साल तक रखा जाएगा, जबकि टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव के द्वारा जो सेना रैली भर्तियां होगी, उनमें जो कैंडिडेट भर्ती होंगे, जो युवा भर्ती होंगे, उनको 3 साल देश सेवा का मौका दिया जाएगा। खास बात दोस्तों अब यह है कि अब इंडियन आर्मी के बाद में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में भी टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव लागू किया जा रहा है, जिससे एयरफोर्स और नेवी में भी 3 साल सेवा देने का मौका अब युवाओं को मिल पाएगा। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, क्योंकि दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव को लेकर कोई भी नई अपडेट आती है और नई सेना रैली भर्ती होती है तो उसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले लेके आते हैं, क्योंकि पहली सेना रैली भर्ती होगी जो टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव के बाद 2021 के लगभग बताई गई है, जिनमें सबसे पहले 100 अधिकारी और 1000 जवान है वो यहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव के तहत भर्ती किए जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों सेना में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर है, अब उनको भी एक देश सेवा और सेना की जो यूनिफॉर्म है वो पहनने का मौका सेना की तरफ से दिया जा रहा है। दोस्तों ये टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव है, ये स्वेच्छा से है, आप अपनी स्वेच्छा से जा सकते हो, सेना किसी को सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य नहीं करेगी। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो और आगे आने वाली सेना रैली भर्तियों से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट अगर आप पाना चाहते हो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ में दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, ताकि आपके राज्य का भी टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव को लेकर कोई भी सेना रैली भर्ती करवाई जाए तो उसकी जानकारी भी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रैली भर्ती के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।